जहां भी होती है हे मेरे दोस्त, शादियां तो नसीब से होती है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। शुभ लग्न मुहूर्त, देखो क्या खूब जची है, दूल्हे की बोली सूरत, दूल्हे की बोली सूरत, खुशी से झूमे है मन, मिला सजनी को साजन, कैसे संजोग मिले हैं, चोली से बंद गया दामन, चोली से बंद गया दामन, किसी के सपनों के सोला सिंगार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, यार की शादी है, मेरे दिलदार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगता है जैसे सारे संसार की शादी है। आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है, आज मेरे यार की शादी है। लगा कि तालमेल पता नहीं 100-200 शो तुम लोग एक साथ कर चुके हो और सुपर पैक्ड ऑडियंस के साथ परफॉर्म करने के बाद एक बार हम पर एहसान करने आए हो। तो हम अपने व्यूअर्स को बता दें कि ये लेवल के परफॉर्मेंसेज होने के बाद जैसे ऑडियंस दीवानी हो जाती है, हम लोग जजेस होने के बावजूद भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते कि इतने अच्छे परफॉर्मेंस में हम लोग क्या करें कि बिना वजह सीरियसली उसमें नुक्स निकालें। जब ग्रेट है तो ग्रेट बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, आज मेरे यार की शादी। बहुत अच्छा गाया आप लोगों ने। पहले मुझे लगा आप किसी के पेरेंट्स हो दोनों। मुझे लगा कि शायद आपके बच्चे गाएंगे तो हम आपसे बात करेंगे कि अंकल आपको कैसा लगा। मेरा गला है नहीं, लेकिन आप लोग का भी नहीं है, लेकिन आप गाते बहुत अच्छा हो भाई। बिना गले के गाते। आप दोनों ने मौसम बदल दिया। हवा कहती है बता, वो जो धुल धुल मौसम।
से है जल्दी तू भी कभी आवाज दे कहीं से दिल से गाया आपने आज मजा आ गया पापा कैसा लगा आपको सांस अटक गई व्हाट ए परफॉर्मेंस व्हाट ए सिंगिंग आज इस स्टेज पे आके कंफ्यूज्ड हो गया हूं मुझे तो सब विनर नजर आते हैं बाबा मेरे तरफ से तो आप सब लोग विनर हो गॉड ब्लेस यू आई एम प्राउड ऑफ यू पहली दफा मुझे लगा कि किसी ने ये गाना परफॉर्म किया वो भी आपने उदित जी के सामने परफॉर्म किया एंड यू डिड जस्टिस टू द सॉन्ग मतलब जैसा ये गाना गाया जाना चाहिए वैसा गाया आपने सो ब्यूटीफुल आई कैन टेल यू ये यहाँ पे दो महान शक्तियां मौजूद हैं इस वजह से हुआ है एक तो उदित जी ऑफकोर्स दूसरी जो सबसे बड़ी शक्ति है वो आपकी माता जी जो है आपके साथ में ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक माँ इतनी दूर से आए और वो बेटा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस ना दे बिल्कुल बिल्कुल मुझे एक्चुअली यहाँ पे खड़ा हो जाना चाहिए था तुम्हारे लिए क्योंकि तुम्हारा ये वो परफॉर्मेंस है कि उदित जी ने जो आत्मा इस गाने में दी है वो कोई भी सिंगर दे ही नहीं सकता उसके नज़दीक आना इम्पॉसिबल था तुमने बराबर करके दिखा दिया क्या बात For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.